नीमच में कोरोना वायरस के बीच लॉकडाउन को लगे हुए आज 2.5 महीने से ऊपर हो गए हैं। समूचे प्रदेश में मिल रहे ढील के बावजूद जिला मुख्यालय पर आवागमन की सुविधा फिलहाल मिल नहीं सकेगी। मंगलवार को भी यहां पर यही हाल रहे। आगामी दिनों में रेल गुजरने के आसार हैं, न बसों के भी संचालन की संभावना नहीं है। वहीं अनुबंधित बसों के अध्यक्ष ने बताया है कि हम जब तक बसें नहीं चलाएंगे, जब तक राज्य सरकारें हमारे 3 महीने का टैक्स माफ नहीं करती है। उसी को लेकर सभी बस मालिकों ने एक साथ निर्णय लिया है कि उसी कड़ी में मंगलवार को भी रेलवे स्टेशन पर भी सन्नाटा सुना दिखाई दिया है। वहीं जब हमने स्टेशन मास्टर से बात की तो बताया है कि अभी सिर्फ मालगाड़ी यहाँ से गुजरती है, परंतु रात्रि ट्रेन को लेकर कोई भी दिशा निर्देश नहीं मिले हैं। तकरीबन आज 70-71 दिन हो चुके हैं, उसी दिन से बसें और ट्रेनें बंद है। बसों वालों का ये कहना है कि हमारी 3 महीने तकरीबन से बसें बंद होने से एक तो हमारा टैक्स माफ़ किया जाए, क्योंकि हम आर्थिक परेशानी से जूझ रहे हैं। दूसरा मेरा ये मत है कि आज पूरे देश में सरकार ने लॉकडाउन के तकरीबन 1 महीने भर बाद लोगों को ई पास की परमिशन दी, जिससे धनाढ्य वर्ग के लोग तो अपने 4-व्हीलर वाहनों की व्यवस्था कर अपने घर पहुंच चुके हैं, लेकिन कई क्षेत्रों में आज भी मजदूर और मध्यम वर्ग के लोग फंसे हुए हैं। तो सरकार को तत्काल रूप से बसें और ट्रेनों को चालू करना चाहिए और उनमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराकर जो लोग फंसे हुए हैं हमारे देश में उनको घर पहुँचाने की। 22 मार्च को जो पहला लॉकडाउन चालू हुआ था, उस 22 मार्च से लेकर के आज तक नीमच जिले में जो है निजी बसों का संचालन बंद है, लेकिन चौथे लॉकडाउन के बाद मध्य प्रदेश शासन ने आदेश जारी किए थे कि ग्रीन जोन के अंदर जो है बसों का संचालन चालू किया जाएगा ताकि यात्रियों को सुविधा मिले। लेकिन हम विगत 3 महीने से बस मालिक जो है खड़ी बसों का हम टैक्स भर रहे हैं, जो कि टैक्स भरना मतलब उचित नहीं है। दूसरी बात, हमने इस संबंध के अंदर मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को हम इसे 2.5 महीने के अंदर अंदर कम से कम जो है 3 बार हम उनके ज्ञापन दे चुके हैं मध्य प्रदेश बस मालिक एसोसिएशन के माध्यम से, और उनसे हमने मांग करी है कि हमारा 3 माह का टैक्स माफ़ किया जाए। यदि हमारा 3 माह का टैक्स माफ़ यदि कर देते हैं तो निश्चित रूप से जो है बसों का संचालन प्रारंभ कर देंगे। जब तक हमारे बसों का टैक्स माफ़ नहीं होगा तब तक निजी बसों का संचालन किसी परिस्थिति में नहीं किया जा रहा। नीमच से दीपक खताबिया की रिपोर्ट।